अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम रबिया है और आज हम डिजिटल क्लॉक बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटियस एंड केल सबसे पहले हम प्रोटियस पे हार्डवेयर देख लेंगे हार्डवेयर देखने के लिए हमें जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसमें सबसे पहले सेवन सेगमेंट डिस्प्ले है एटी एटी नाइन सी फिफ्टी वन माइक्रो कंट्रोलर है एल ई डीज़ हैं बटन है और नॉट गेट है हम माइक्रो कंट्रोलर को प्लेस करेंगे और माइक्रो कंट्रोलर के पोर्ट पी टू के साथ हम नॉट गेट को अटैच कर देंगे हमने यहाँ पर सिक्स नॉट गेट का इस्तेमाल किया है क्योंकि हम सिक्स टाइम्स जो है वो अपना छः दफ़ा हम अपना टाइम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं एल पर जिसमें हमारे पास क्लॉक टाइम और फजर जहर असर मगरबिशा टाइम है तो उसके लिए हम छः एल का इस्तेमाल करेंगे पोर्ट पी टू के पॉइंट नंबर ट्वेंटी एट के साथ हम एक स्विच लगाएंगे और उसके दूसरे पॉइंट को हम ग्राउंड कर देंगे और इसी तरीके से हम माइक्रोकट्रोलर के पोर्ट पी टू के साथ सॉरी पी थ्री के साथ हम सिक्स एल कनेक्ट करेंगे सिक्स एल को कनेक्ट करने के बाद इनके दूसरे कंपोनेंट्स को हम ग्राउंड कर देंगे हम ये तमाम कंपोनेंट्स आपस में इस तरीके से अटैच करेंगे अटैच करने के बाद इनके तमाम जो वायर्स हैं और कनेक्शन हैं इनको आपस में बनाने के बाद हम इसका प्रोग्राम जो है डिजिटल क्लॉक का प्रोग्राम जो है वो केल पर राइट करेंगे तो केल पर प्रोग्राम राइट करने के लिए जो प्रोसीजर है उसमें हम एक नया अपना प्रोग्राम चूँकि राइट करना चाह रहे हैं तो चलें हम देखते हैं कि केल पर हम अपना प्रोग्राम कैसे राइट करेंगे कि मैंने ऑलरेडी एक अपना प्रोग्राम इसका लिखा हुआ है जिसमें हम सेम उसी प्रोसीजर से ओ आर जी ज़ीरो ज़ीरो एच मेन लॉन्ग जम्प मेन ओ आर जी मेन और इसी तरीके से जिस तरीके से हम पहले भी अपने प्रोग्राम्स राइट कर चुके हैं उसी प्रोसीजर से करेंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास आर नॉट और आर वन है ये हमारे पास सेकंड्स को शो कर रहे हैं हमने छह रजिस्टर्स का इस्तेमाल किया है आर टू आर थ्री हमारे पास मिनट्स को और आर फोर आर फाइव हमारे आर पास आर्स को बता रहा है इसके बाद हमने इन रजिस्टर्स को मूव किया है मूव कराने के बाद उसको वेट कराया है फिर उनको हमने डिस्प्ले कराया है एक कॉल को हमने शो किया है उसके बाद हमने आई एन जी आर आई एन सी सॉरी आर नॉट का यूज़ किया है सी जे एन ई आर नॉट का यूज़ किया है और इन सब को हमने आर नॉट आर वन आर टू आर थ्री आर फो आर फाइव को uh, ये जो छः हमने रजिस्टर्स यूज़ किए हैं इन सब को डिस्प्ले कराया है ये इस तरीके से हमने इनको डिस्प्ले कराया उसके बाद ये हमारे पास तमाम छः रजिस्टर्स का डिस्प्ले आ गया है उसके बाद हमने ऑर्स को शो किया है आवर्स के लिए हमने एक प्रोग्राम राइट किया है और फिर उसके बाद आगे हमने तमाम रजिस्टर्स को क्लियर भी किया है ताकि हमारे पास दोबारा से वो वो जो है वो चलता रहे और वो हमारे पास रुके नहीं तो उसके लिए हमने उसको जो है तमाम उसका जो प्रोसीजर है उसका लूप लगा दिया है तो हमारे पास ये प्रोग्राम था अब इसकी हम हेक्स फाइल बनाएंगे हेक्स फाइल बनाने के लिए हम जहाँ पर हमने ये प्रोग्राम लिखा है उसकी एक्स फाइल बनाएंगे और चूंकि मैंने इसको सेव किया हुआ है ऑलरेडी लोकल डिस्क एफ़ में तो इसको हम ओपन करेंगे और न्यू फोल्डर में जाएंगे ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे एल ई डी इस तरीके से हम ओपन करेंगे इसकी हेक्स फाइल को और हम इसको जो है वो इसके ऊपर माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर पंच कर देंगे पंच करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी एल ई डीज़ ऑन हो गई है स्विच ऑन होगा तो हमारे पास एलईडीज़ टाइम शो करेंगी ये देखिए इस तरीके से हमारे पास टाइम चलना शुरू हो गया मतलब छः घंटे और तीन सेकंड जो लास्ट वाले दो नंबर्स हैं वो हमें सेकंड शो कर रहे हैं मिड वाले दो नंबर हमें मिनट्स शो कर रहे हैं और फर्स्ट वाले दो नंबर्स हमें घंटे जो हैं आवर्स वो शो कर रहे हैं थैंक